कैसे हैं आप लोग? आप लोग के कमेंट में पढ़ता रहता हूँ और सबके रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अभी तो हालत ये है कि किसी तरह से वीडियो बनाने के लिए, आप तक पहुँचने के लिए समय मुश्किल से मुझे मिल पा रहा है। लेकिन कमेंट में पढ़ता हूँ और आपकी अपेक्षाओं और उम्मीदों से मैं वाकिफ होता रहता हूँ। बीच बीच में नौकरी पाने का दबाव क्या होता है मैं जानता हूँ। हम उत्तर भारतीयों के लिए नौकरी पाना एक बहुत बड़ी बात होती है और हमारी बड़ी जनसंख्या ने प्रतिस्पर्धा को इतना बढ़ा दिया है कि अच्छा खासा वक्त भी लग सकता है। कभी कभी जैसे मुझे नौकरी पाने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है अधिकतर लोगों को, उन अधिकतर लोगों में खुद शामिल हूँ। तो आपकी चिंताओं से मैं वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करना चाहिए, मुझे इतिहास भी अपलोड करना चाहिए, भूगोल भी, और आप कहते हैं कि मैं जल्दी से इकोनॉमिक्स भी शुरू करूं या विज्ञान शुरू करूं। आप लोग कहते हैं मुझे अच्छा लगता है। मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा समय अतिरिक्त मिल जाता काश तो मैं और अधिक वीडियो आपके लिए कर पाता। क्या करूं, एक महीने और व्यस्त हूं, एक महीने भी नहीं 20 या 25 दिन में ज़्यादा व्यस्त हूं। गेहूँ खरीद सीजन चल रहा है, खाद्य और आपूर्ति विभाग, हमारी जो मुखिया हैं सरकार उत्तर प्रदेश के, उन्होंने खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय विभाग अपने पास रखा हुआ है, तो गेहूं खरीद के लिए मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा दबाव है। हालत एक में सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ, 30 किलोमीटर मेरा ऑफिस है यहाँ से, 30 या 35 किलोमीटर जो मुझे ब्लॉक मिला है वो यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। वहाँ तक पहुँचने में लगभग 1-1.25 घंटे का समय लगता है, घर आने में 8-8:30 बज जाते हैं शाम के, तो उतना वीडियो भी नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन 20-25 दिन बाद मैं काफ़ी हद तक खाली रहूँगा और मैं अपने प्रोग्राम को और तेज़ी से आगे बढ़ा पाऊँगा। गुणवत्ता में तो मैं समझौता नहीं करता हूँ, पढ़ाने के तरीकों में समझौता नहीं करता हूँ, कम पढ़ाता हूँ, बेहतर ढंग से अब तक वस्तुएँ पहुँचाने का मैं प्रयास करता हूँ। तेजी आ जाएगी 20-25 दिन के बाद, है ना। तैयारी के दौरान दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, पहला तो धैर्य। धैर्य बनाए रखेंगे तो आपकी बारी आएगी, यकीन मानिए अगर आप धैर्य बनाना सीख गए और मेहनत करते रहे तो आपकी बारी आएगी, 100% आएगी। ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसकी बारी ना आए, लोग छोड़कर हट जाते हैं दूसरी बात है, धैर्य बनाए रखेंगे तो आपकी बारी आएगी, और ये सुनकर आप खुश हो सकते हैं क्योंकि ये सच है। और दूसरी बात है कि हौसला बहुत बड़ी चीज होती है। हौसला इंसान का सब कुछ होता है, हौसला खत्म सब कुछ खत्म, इंसान खत्म। अपने हौसले के बल पे ही इंसान बड़े से बड़ा पद या बड़े से बड़ा कार्य कर जाता है, बड़ा कद हासिल कर लेता है, हौसले के बल पर ऐसा होता है। हौसला ऐसी चीज है कि इंसान को बहुत ऊंचाइयां प्रदान कर देता है, अपने ऊपर विश्वास। हौसले के साथ उमंग जुड़ा होता है, उमंग, मन में उमंग होना चाहिए, तरंग होना चाहिए, उदासी वाला भाव नहीं होना चाहिए, नकारात्मकता नहीं होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, मन में उमंग होना चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ये साहस होना चाहिए मन में। जब मन में ये साहस रहेगा तो कोई ना कोई आसमान आपको मिलेगा जरूर, जहाँ पे आप उड़ सकेंगे। मैंने तो पहले भी कहा है कि सरकारी नौकरी तो एक शुरुआत होती है, वो तो मिलेगा ही आपको, लेकिन अगर आप मन में हौसला रखेंगे और मन में उमंग बनाए रखेंगे, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। जिंदगी क्या है, जिंदगी यही है, खुद पर विश्वास करके इस जिंदगी को कितने बेहतर तरीके से जी सकते हैं, कितने उमंग में जी सकते हैं, है ना। हौसले के साथ जीना ही जिंदगी है, हौसला खत्म जिंदगी खत्म। नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, देरी होगी लेकिन अधेर नहीं होगा, देर होने दीजिए अधेर नहीं होगा। सौभाग्य से हम लोगों का साथ मिला है, आपको मेरा साथ मिला है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन प्रयास तो करता ही हूँ कि हौसला बना रहे, और आप मेरा हौसला बढ़ा देते हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपका बना सकूँ, है ना। आज का वीडियो प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा भाग है, वो मैं शुरू करूंगा, छोटा सा ही होगा। आपको एक जरूरी बात मैं बताना चाहता हूँ,
बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि कमेंट कैसे होता है, आपके वीडियो में कमेंट कहाँ किया जाता है, कमेंट पढ़ते कैसे हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ कि मेरे किसी भी YouTube वीडियो में कमेंट कहाँ से करते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, उन्हें बता देने दीजिए मुझे। ये है मेरा मोबाइल, मोबाइल में ये मेरा वीडियो है, यहाँ पे प्ले कर देंगे चलने लगेगा, है ना। तो नीचे मेरे चैनल का यहाँ नाम लिखा हुआ है, टारगेट यूथ आलोक, सब्सक्राइब आपने किया ही होगा छुके, है ना, नहीं किए तो कर दीजिए, इसे टच करते ही सब्सक्राइब कर देंगे। मैं नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये मेरा चैनल है ना। आप में ये लाल कलर का है, टच कर देंगे काले कलर का सब्सक्राइब हो जाएगा, सब्सक्राइब का जो रंग है वो काले कलर का हो जाएगा। तो ठीक है, कोई वीडियो देखते समय नीचे ढेर सारे वीडियोस दिखाई देते हैं, है ना, कुछ मेरे वीडियो दिखाई देते होंगे, कुछ अन्य लोगों के वीडियोस दिखाई देते होंगे, ठीक है। इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत नीचे जाने पे, थोड़ा सा 10-15 वीडियो नीचे जाने पे, यहाँ पे क्या लिखा है, कमेंट, है ना। कमेंट में लिखा है 135 कमेंट, यानी 135 लोगों ने अब तक मेरे वीडियो पर, इस वीडियो पर कमेंट किया, ठीक। आप लोगों के कमेंट पढ़ सकते हैं, देखिए लोगों ने कमेंट किए हैं, इनके कमेंट पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं मैं रिप्लाई भी करता हूँ जरूरी होता है तो, टाइम मिलता है तो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप किसी को भी ये बॉक्स छूकर रिप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, बैक कर रहा हूँ, आप किसी को भी ये बॉक्स, है ना, बॉक्स को छूकर किसी को भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, इसमें इनके बॉक्स छूकर इनको रिप्लाई कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कमेंट के नीचे लिखा है ऐड अ पब्लिक कमेंट, इसको टच करते ही आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख के इसे टच कर दीजिए, आपका कमेंट मेरे वीडियो पर पोस्ट हो जाएगा। एरो को टच करते ही आपका कमेंट मेरे वीडियो पर पोस्ट हो जाता है। फिलहाल इसे मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि आप, है ना। तो यहाँ पे टच करके आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, यानी मेरा वीडियो है, वीडियो के नीचे मेरा चैनल का नाम, सब्सक्राइब बटन, उसके नीचे 10-15 वीडियो होंगे, नीचे जाएंगे तो आप यहाँ ऐड अ पब्लिक कमेंट पाएंगे, आप यहाँ टच करके लिख भी सकते हैं, बाकी लोगों के कमेंट आप पढ़ भी सकते हैं। कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, लोगों के कमेंट पढ़ लेने से भी काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है कि इस चैनल पर क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, है ना। कभी कभी समय निकाल कर आप पढ़ लिया करिए। तो कई दिनों से मैं देख रहा था कि कमेंट पढ़ा कि कमेंट कैसे करते हैं, तो मैंने सोचा आज आपको बता दूँ, थोड़ा सा समय लिया। आइए प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा भाग पढ़ते हैं। पहला भाग आपने देख लिया है ना, मैं मान रहा हूँ कि आप देख लिए हैं, क्योंकि पहला भाग देख लेंगे तो इसे समझने में आसानी होगी, समझाने वाला काम मैं पहले वाले वीडियो में कर चुका हूँ। आइए इसमें हम तथ्यों पर थोड़ा ज्यादा जोर देंगे, है ना, समझाएंगे लेकिन तथ्यों पर थोड़ा ज्यादा जोर रहेगा इस वीडियो में। प्राकृतिक वनस्पति प्रकार, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं और वनों की विशेषताएं क्या क्या है, शुरू करते हैं। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है, सबको जो बोल रहा हूँ लिखते जाइए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हरे कलर से दिखाया गया है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन लाल कलर की लाइनें खींची गई हैं, उसके बाद है आपका कटीले वन और झाड़ियां डॉट डॉट दिखाया गया है दो जगहों पर, एक पठारी भारत में बीचों बीच और एक पश्चिमी भारत में राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में, है ना। तो कटीले वन और झाड़ियां डॉट डॉट के रूप में दिखाई गई है। चौथा है पर्वतीय वन, नीले कलर की लाइनें, पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय नीले कलर की लाइनें, इन्हें हम कहते हैं पर्वतीय वन। पांचवा वन है ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन, पांचवा जो वन का प्रकार है वो है ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन। मैंने मैंग्रोव या ज्वारीय वनों को यहाँ पर नहीं दिखाया है क्योंकि बहुत ही सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जब लास्ट में पढ़ाऊंगा ज्वारीय वनों को तो बना के दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, हरे कलर से दिखाया गया है, अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं ये। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है, जिन क्षेत्रों में, निश्चित रूप से भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, विषुवत रेखा के नजदीक है, तो यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है ना। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उन क्षेत्रों में, यहाँ पर मैंने तथ्यों को संक्षेप में करके लिख दिया है, आप यहाँ पर मदद ले सकते हैं। जैसे सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, है ना, वृक्ष कौन कौन से है नाम लिखा हुआ है, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 4 क्षेत्रों में, तो ये मैंने लिखा हुआ है, बदल दे सकते हैं, मैं उंगली नहीं दिखाऊंगा, बार बार संकेत नहीं करूंगा, मैं बोलता जाऊंगा। तो जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। चूंकि वर्षा वनों में साल के अधिकतर महीनों में 12 महीनों
कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर वर्षा होती रहती है, इसलिए यहाँ के वन बहुत ही हरे भरे होते हैं। इसीलिए मैंने हरे कलर से दिखाया है, हरे भरे होते हैं। परिणाम स्वरूप वृक्ष अपनी पत्तियों को गिराते नहीं है, इसलिए हम वर्षा वनों को सदाबहार वन भी कहते हैं। कौन से वन? सदाबहार वन। इनकी विशेषता है, सदाबहार वनों की विशेषता है कि इनके वृक्ष बड़े ही लंबे लंबे होते हैं। सदाबहार वनों के वृक्ष बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। जैसे पश्चिमी घाट क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके नाम कौन कौन से हैं देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आबनूस, हरे कलर की जो लाइनें हैं धब्बे, वहां पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं वर्षा वनों में? आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, है ना, आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड। इसके अलावा यहाँ पाया जाता है नारियल ताड़, एक जैसे वृक्ष है लंबे लंबे, नारियल ताड़, बांस। बांस कितना लंबा वृक्ष होता है? खूब लंबा होता है बांस। और इसके अलावा रबड़ और सिंकोना, केरला में रबड़ नंबर वन, भारत का नंबर वन रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरला है ना, तो केरला में वर्षा वन पाया जाता है ना, तो रबड़ भी वर्षा वनों की ही विशेषता है। सिंकोना नामक एक वनस्पति होती है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि मलेरिया की एक दवाई पहले इस्तेमाल की जाती थी, अब कम इस्तेमाल की जाती है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। तो मलेरिया की एक दवाई इस्तेमाल की जाती थी, उसका नाम था क्यूनैन। क्यूनैन को सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। हालांकि अब मलेरिया के लिए उसे लेटर कम क्यूनैन मिश्रित दवाई को कम सुझाव देते हैं। तो ये जो वृक्ष है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है। रबड़ और सिंकोना पर भी ध्यान दीजिएगा, है ना, विशेष रूप से रबड़ और सिंकोना वर्षा वनों की विशेषता है। आपको पता है भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। दुनिया का चौथा सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। दुनिया का पहला सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश का नाम बताइए, पता करके मैं बताऊंगा तो विश्व कृषि पढ़ाऊंगा तो ठीक है। तो जो वर्षा वन है भारत में मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्षा वन भारत में चार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, लिखते जाइए ऐसे जैसे बोल रहा हूँ, चार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला मतलब ए बी सी डी, चार लिख दीजिए। पहला पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय प्रदेश। दूसरा हिमालय की तराई क्षेत्र में, हमने यहाँ पे लाल हरे कलर की लाइनें खींच दी हिमालय के निचले क्षेत्रों में, इसे हम कहते हैं हिमालय के तराई क्षेत्र में। तीसरा क्षेत्र कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत तीसरा क्षेत्र है, यानी शिलांग पठार और आसपास के क्षेत्र, शिलांग पठार और आसपास के क्षेत्र या राज्य। चौथा क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चूंकि समुद्र नजदीक है, जहां समुद्र नजदीक होते हैं वो क्षेत्र मानसून आने का इंतजार नहीं करते हैं। समुद्री हवाएं साल भर आर्द्रता से युक्त होते हैं, ह्यूमिडिटी से युक्त होती है समुद्री हवाएं, हाँ वो साल भर समुद्र की सतह का वाष्पीकरण होता रहता है। जैसे ही वो हवाएं पर्वत से टकराती हैं, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पर्वत चोटी, नाम बताइए, सब पढ़ाया जा चुका है, यानी अंडमान निकोबार पर भी पर्वत हैं। तो जैसे ही वो समुद्री हवाएं टकराती हैं साल भर वर्षा द्वीपों पर करती रहती हैं। द्वीपीय जलवायु को हम समुद्री जलवायु कहते हैं, उनकी अलग ही जलवायु होती है क्योंकि वहां साल भर वर्षा होती है। जैसे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड साल भर वर्षा का क्षेत्र होता है ना, तो उसी तरह अंडमान निकोबार भी साल भर वर्षा का क्षेत्र है। पश्चिमी घाट पे भी अरब सागर नजदीक है तो साल भर वाष्पीकरण होता है। मुंबई में अक्सर वर्षा होती रहती है, मुंबई में केवल जून से लेकर सितंबर तक ही वर्षा नहीं होती है, हमेशा वर्षा होती रहती है। मुंबई में कभी भी वर्षा हो सकती है, क्यों? क्योंकि समुद्र बहुत ही नजदीक है। तो वर्षा वनों के ये चार क्षेत्रफल मैंने बताया, चार जगह, इन्हें आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? अधिक तापमान और 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा, ठीक है। वृक्षों के नाम आप जान गए। जो पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी घाट को दूसरा नाम कह देते हैं सह्याद्री, है ना, तो उत्तरी सह्याद्री में वर्षा वनों को शोला नाम देते हैं। किस नाम से जानते हैं? शोला नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तीन चार विशेषताएं हैं। कभी कभी पूछ देता है कि फला विशेषता कौन से वन की है, चार ठो ऑप्शन दे दिया, नहीं आता है, गोल हो गया प्रश्न। तो विशेषता जान लीजिए, पहला लंबे वृक्ष, दूसरा विशेषता बहुत ही सघन वन होते हैं, इतने सघन कि सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। तीसरी विशेषता, यहाँ पर जीवों और वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है, जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है।
वर्षावन जैविक विविधता के भंडार होते हैं, है ना। जो जीव कभी उत्तर भारत के मैदान में या पठारी भारत में नहीं दिखाई देंगे वो वर्षावनों में दिखाई देते हैं, है ना। तो ये जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों के भंडार होते हैं। चौथी विशेषता, कठोर लकड़ी के भंडार हैं। वर्षावन कठोर लकड़ी के भंडार हैं, 1, 2, 3, 4 ये चारों क्षेत्र जो है कठोर लकड़ी के भंडार हैं। यानी ये जो वृक्ष के नाम मैंने बताया, अबरूस, एगोनी, महोगनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, बांस, ये कठोर लकड़ी। बांस को देखा है आपने, बांस कितना कठोर होता है। तो कठोर लकड़ी का भंडार होने के चलते इन वनों का उपयोग बहुत ही सीमित है, क्योंकि लकड़ियां बहुत ही कठोर है। कठोर होने के चलते इनका इमारती प्रयोग नहीं हो पाता है। जो इमारत फर्नीचर्स बनते हैं ना, फर्नीचर्स इनसे नहीं बनाए जा सकते हैं। बनाए भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि लकड़ियां बहुत ही कठोर होती हैं। अब बांस का आप क्या उपयोग करते हैं? गांव में मड़े मड़े डालते हैं तो बांस का उपयोग वहां पे कर लेते हैं, या शहरों में भी रेस्टोरेंट में सजावट के लिए बांस का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन व्यापक तौर पर इमारतें या फर्नीचर्स नहीं बनाए जाते हैं बांस से, है ना। तो वर्षा वनों की जो लकड़ी है वो कठोर लकड़ी होती है, जो कि फर्नीचर या इमारत बनाने के काम में कमी आती है, इसलिए इनकी आर्थिक उपयोगिता बहुत ही सीमित है। ध्यान दीजिएगा, वर्षा वनों की जो लकड़ियां हैं उनकी आर्थिक उपयोगिता बहुत ही सीमित होती है, कारण कठोर, और दूसरा इतने सघन वन है कि जाके इनको काटेगा कौन। एक तो बहुत ही पर्वतों पर ऊंचे दुर्गम क्षेत्रों में ही होते हैं, जिससे इनको काटना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। दूसरा जो वन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, उन्हें हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन। पहला पॉइंट, मानसूनी वन देश के भीतरी भागों में उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक पाए जाते हैं। मानसूनी वन देश के भीतरी भागों में उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है। जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्षावन देश के भीतरी क्षेत्रों में, सॉरी वर्षावन बोल दिया गलती से, मानसूनी वन देश के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, जहां पर कि मानसूनी पवनों द्वारा मौसमी वर्षा होती है। अब अरब सागर शाखा तो यहाँ प्रवेश नहीं करती है, पश्चिमी घाट से टकराते हुए राजस्थान से उत्तर निकल जाती है, तो बंगाल खाड़ी की शाखा इन क्षेत्रों में प्रवेश करती है, या बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात यहाँ प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर वर्षा होती है ना। एक कुछ ही महीनों में, जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक इन क्षेत्रों में वर्षा चलती रहती है। तो देश के भीतरी भागों में जहां मानसूनी पवनों द्वारा मौसमी वर्षा होती है, वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। ये वन उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक और पश्चिम में मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व में झारखंड तक विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि मानसूनी वनों के वृक्ष शीत ऋतु के बाद और गर्मी के आगमन के पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन भी कहते हैं, मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन। तीसरा नाम देते हैं पर्णपाती वन, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं इसलिए इन्हें पर्णपाती वन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि मानसूनी वनों के प्रमुख वृक्ष इस प्रकार है, नाम लिख लीजिए। मानसूनी वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शीशम, साल, सागौन, साखू, कुछ दिमाग में चल रहा होगा आपके। शीशम, साल, सागौन, साखू, आपने ध्यान दिया होगा जो इमारती लकड़ी होती है, फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी, इन्हीं से बनाई जाती है ज्यादातर। शीशम से, साल से, सागौन, लोग बड़े शान से कहते हैं कि हमने अपने मकानों के दरवाजे सागौन के बनवाए हैं, है ना, या फिर हमने ये जो अलमारी है पूरी सागौन की बनवाई है या शीशम की बनवाई है। महंगी लकड़ियां होती हैं और इमारती लकड़ी के काम आती है। तो शीशम साल सागौन और साखू, सखुआ बोलते हैं गांव या देहात क्षेत्रों में, इसे सखुआ बोलते हैं, है ना। ये सभी फर्नीचर बनाने वाली लकड़ियां हैं, जो कि मानसूनी या पतझड़ वाले वन के वृक्ष हैं। तो इन वनों में शीशम, साल, सागौन, साखू
इसके अलावा उत्तर भारत में आम के वृक्ष हर जगह मिलते हैं ना, दूर दूर रहते हैं। सघन वन तो होते हैं नहीं, पतझड़ वाले वन विरल वन होते हैं, इनके पेड़ दूर दूर पाए जाते हैं। तो आम हो गया और आंवला हो गया, आम आंवला और चंदन है ना। चंदन मुख्य रूप से कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक में और नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में। आप देख रहे हैं कर्नाटक और नीलगिरी पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो किसके अधीन है, मानसूनिया पतझड़ वाले वन के अधीन है ना। तो चंदन भी मानसूनी वनों का ही पौधा है। अक्सर पूछा जाता है कि चंदन किस वन का पौधा है, लोग झटके से बता देते हैं वर्षा वन, क्योंकि वर्षा वन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चंदन पूछा है, चंदन भी महत्वपूर्ण है, चलो लगा दो वर्षा वन, नहीं ऐसा नहीं है। चंदन मानसूनी या पतझड़ वाले वन का पौधा है, ठीक है। तो ये वृक्षों के नाम हो गए जो यहाँ पाए जाते हैं। अगला पतझड़ वाले वन या मानसूनी वन मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पतझड़ वाले वन मुख्य रूप से दो भागों में पाए जाते हैं। पहला, उत्तर भारत के मैदान में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में, उत्तर भारत के मैदान में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में। दूसरा कौन सा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक पूरे पठारी भारत में। हमने बताया कि पतझड़ वाले वन दो क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उत्तर भारत में, उत्तर भारत के मैदान में उत्तर प्रदेश और बिहार में। दूसरा क्षेत्र है मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक पूरे पठारी भारत में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा, वृक्ष छाया प्रदेश को छोड़कर, क्योंकि वृक्ष छाया प्रदेश में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। तो वृक्ष छाया प्रदेश को छोड़कर पूरे पठारी भारत में भी मानसूनी वन पाए जाते हैं। विशेषताएं क्या है मानसूनी वनों की, मानसूनी वनों की विशेषताएं क्या है। पहला, मुलायम लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, मुलायम लकड़ी पाई जाती है इन वनों में। दूसरा, इनकी आर्थिक उपयोगिता काफी ज्यादा है, वर्षा वनों के जो वृक्ष हैं उनकी आर्थिक उपयोगिता बहुत ही सीमित है। क्यों, क्योंकि लकड़ियां बहुत ही कठोर है। इसमें आप देखेंगे मुलायम लकड़ी होने के चलते मानसूनी वनों के वृक्षों की आर्थिक उपयोगिता बहुत ही ज्यादा है। उदाहरण के लिए शीशम, साल, सागौन लिख लीजिए ऐसे ही। उदाहरण के लिए शीशम, साल, सागौन, साखू की लकड़ी का प्रयोग इमारती लकड़ी में, इमारती लकड़ी के लिए बहुतायत से किया जाता है। नेक्स्ट, चंदन का भी आर्थिक उपयोग काफी ज्यादा है ना, जो कि इन्हीं वनों में पाया जाता है। इन वनों की लकड़ियां मुलायम होती हैं, मजबूत होती हैं और टिकाऊ होती हैं। जैसे सागौन हो गया, सागौन की लकड़ी आप बहुत दिनों तक पानी में भी रख दीजिए तो सड़ती नहीं है, है ना। सागौन की लकड़ी तो सागौन क्या होगी, टिकाऊ होती है ना, मुलायम होती है सागौन। जब उसे फिनिशिंग दे दिया जाता है तो उस पर आप हाथ फेरेंगे तो बहुत ही मुलायम होता है। जैसे बांस हो गया, बांस वर्षा वनों में पाया जाता है, तो बांस पे आप हाथ फेरेंगे तो मुलायम नहीं लगता है, बहुत ही कठोर होता है। लेकिन सागौन जो होता है हाथ फेरने में बहुत ही मुलायम लगता है। शीशम थोड़ा सा कम मुलायम होता है, सागौन थोड़ा ज्यादा मुलायम होता है। तो सागौन थोड़ा महंगा भी होता है, क्यों, क्योंकि टिकाऊ है, मुलायम है और मजबूत होता है, लंबे समय तक पानी में सड़ता भी नहीं है। आप ये लक्षण जानते होंगे कि सागौन में कच्ची लकड़ी नहीं होती है, सागौन में कच्ची लकड़ी नहीं होती है। जैसे कि दरवाजे अगर आप लगाएं, अगर शीशम के हैं उसमें कच्ची लकड़ी है शीशम की, तो उसमें दीमक लग जाते हैं। लेकिन अगर दरवाजे आपने सागौन के बनवाए हैं तो सागौन में कच्ची लकड़ी नहीं होती है, सागौन के दरवाजों में कभी भी दीमक नहीं लगता है। आप लोग फ्यूचर कभी मकान बनवाइएगा तो सागौन के भी लगवाइएगा, उसमें दरवाजे खिड़कियां या अलमारियां बनवाइएगा, क्योंकि उसमें दीमक नहीं लगता है। जो पिटर पिटर की आवाज आती रहती है लकड़ियों से, या तो वो बहुत ही सस्ती लकड़ियां होती हैं जैसे आम की, आम में तो तुरंत दीमक लग जाता है, शीशम में भी दीमक लग जाता है, सागौन में दीमक नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हो गया विशेषता। अगला जो वन पढ़ा रहा हूं वो है कटीले वन और झाड़ियां। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, 70 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर कटीले वन और झाड़ियां पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी भारत और वृष्टि छाया प्रदेश है ना, इन वनों में चूंकि यहां पर वर्षा कम होती है, चूंकि यहां पर वर्षा कम होती है इसलिए प्रकृति ने इन वनों के पेड़ों को कांटे प्रदान कर दिए हैं। वर्षा कम होती है इसलिए प्रकृति ने इन वनों के वृक्षों को कांटे प्रदान कर दिए हैं, अर्थात उनकी पत्तियों को कांटों में तब्दील कर दिया है।
ताकि वाष्पीकरण कम हो और यहाँ के वृक्ष अपने जीवन को बचाए रख सकें, अन्यथा वाष्पीकरण होगा पत्तियों से तो सूख जाएंगे। तो प्रकृति ने कांटे प्रदान कर दिए ताकि वाष्पीकरण कम हो और वो पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी अस्तित्व को बचाए रख सके। कांटे प्रदान करने का दूसरा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य, जानवर इन्हें खा न सके, है ना, जानवर इन्हें चबा नहीं सकते हैं, कांटे होते हैं इसलिए जानवर इसे दूर रखते हैं, क्योंकि एक तो वृक्ष कम है, अगर कांटे भी नहीं रहेंगे तो जो थोड़े बहुत होते भी है वृक्ष उन्हें जानवर जाके खा सकते हैं, इसलिए बचे रहते हैं कांटों के द्वारा। ये इसमें प्रमुख वृक्ष जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, बबूल, यहाँ पे इन दोनों क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, बेर और करील, यहाँ लिखा है बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, बेर और करील, ये पांचवा तरह के यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं जो कि कांटेदार वृक्ष होते हैं। ये वृक्ष, ये वन मुख्य रूप से दो क्षेत्रों पाए जाते हैं, अलग से लिख लीजिए, पहला पश्चिमी भारत में, इसके अंतर्गत पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, ये सब, ये सारा जो क्षेत्र है यहाँ तक ये पश्चिमी यूपी के अंतर्गत चलाता है, तो पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और गुजरात। दूसरा क्षेत्र कौन सा है, वृष्टि छाया प्रदेश, देश, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के इंदौर से, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले तक, मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले तक एक अर्ध चंद्राकार पेटी, देख रहे हैं ना घुमा हुआ चंद्रमा की तरह, तो एक अर्ध चंद्राकार पेटी में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया दो प्रकार के वन बचे रह गए, पर्वती वन और मैंग्रोव या ज्वारी वन, अगले वीडियो उसे बताएंगे। आप लोग ढंग से पढ़ रहे हैं, इसको मैं समय समय पर चेक करता रहता हूँ, मैंने कमेंट करने का तरीका बता दिया, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूँ, जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं वो कमेंट जरूर करें, इससे मनोबल भी बना रहता है अगर आप सही उत्तर देंगे, क्योंकि मैं हमेशा प्रश्नों के उत्तर अगले वाले वीडियो में देता हूँ। तो आज के प्रश्न है, आप कमेंट करिएगा, आज के प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, कानपुर, कोलकाता, पटना और इलाहाबाद में सबसे कम वार्षिक वर्षा किस शहर में होती है, रिपीट कर रहा हूँ, कानपुर, कोलकाता, पटना और इलाहाबाद में सबसे कम वार्षिक वर्षा किस शहर में होती है। दूसरा प्रश्न है, अरावली, पश्चिमी घाट, शिलांग पठार और शिवालिक, इनमें से किस पर्वत के सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अरावली, पश्चिमी घाट, शिलांग पठार और शिवालिक, इनमें से किस पर्वत के सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। अगला सवाल है, लौटता मानसून किस सागर से आर्द्रता या ह्यूमिडिटी ग्रहण करता है। ठीक है, लौटता हुआ जो मानसून होता है किस समुद्र या सागर से आर्द्रता ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताइए, इसे कहते हैं पूर्वोत्तर भारत, यहाँ की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। नेक्स्ट, वेलिंगटन द्वीप किस झील में है। नेक्स्ट, किस राज्य की झीलों को कयाल नाम से जाना जाता है, कयाल, किस राज्य की झीलों को कयाल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नागिन झील किस राज्य में है, नागिन झील किस राज्य में है। अगला, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल नामक झीलें किस राज्य में है, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल नाम की झीलें किस राज्य में है। अगला सवाल है, कौन सी झील विवर्तनिक क्रिया से निर्मित है, यानी टेक्टोनिक एक्टिविटीज से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं तीन अनूप झीलों के नाम बताइए, अनूप झीलें क्या होती हैं, जो, अरे भाई क्या बोलते हैं उन्हें, जो तट पर पाए जाते हैं भाई, देखिए मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है मैं देखिए थोड़ी देर में अगले वीडियो में बता दूंगा। तो तट पर जो झील, चिल्का झील की झील का उदाहरण है, अब कोई कभी दिमाग में नहीं आता है, दिमाग में है मुंह पर नहीं आ रहा है, चिल्का झील हो गया, वेम्बानाड झील हो गया, केरल का किस झील का उदाहरण है, तो उसे अनूप झील भी कहते हैं, तो किन्हीं तीन अनूप झीलों के नाम बताइए। नेक्स्ट है, पेन्नार नदी किस राज्य के तट पर अपना मुहाना बनाती है, पेन्नार नदी किस राज्य के तट पर मुहाना बनाती है। अगला सवाल है, हिंडन किसकी सहायक नदी है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आप अगले या इस वीडियो में दीजिएगा, इसी वीडियो में आपको जवाब देने हैं कमेंट करके, मैं अगले वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। हौसला बनाए रखिए, जुड़े रहिए, नमस्कार।